ए खुदा, तो सबके ऊपर रहम करता है, हमारे गुनाहों को भी माफ कर। उससे कट गया, पता नहीं क्या था। उठ के, हाँ यहाँ ये तस्वीर से हो गया होगा। ये वो बेगम साहिबा, मैं अपनी अम्मी अब्बू की तस्वीर लेकर आई थी, पर बेगम साहिबा ये बहुत पुरानी तस्वीर है। इतनी पुरानी तस्वीर के कोने इतने तेज कैसे हो सकते हैं कि उंगली कट जाए और खून आ जाए? पुरानी यादें तो ज्यादा चोट पहुंचाती हैं बेटा। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। बड़ी अम्मी कमरे में नहीं है, आपने फोन करके बोल तो दिया था ना कि हम पहुंच रहे हैं। हाँ, मैंने मुनीसा को बता दिया था। फिर लगता है शायद बड़ी अम्मी तक ये बात नहीं पहुंची होगी। आया, कोई बात नहीं, यहीं कहीं गई होंगी, अभी आ जाएंगी। देखो, हम ईद की मिठाई बांटने के लिए बड़ी मस्जिद जा रहे हैं। थैंक यू। अरे तू सबकी झोली में कुछ ना कुछ डाल रही है, इस अल्लाह के बंदे पर भी करम कर दे। आइए बाबा। ये लीजिए बाबा। मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए। पैसे नहीं चाहिए? तो फिर क्या चाहिए बाबा? मुझे तू अपने ऐब दे दे, अपने फरेब दे दे और अपनी चालें दे दे। बाबा ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने कुछ गलत कहा? तू क्या सोचती है कि अल्लाह से तू अपने गुनाहों की माफी मांगेगी, अल्लाह तुझे माफ कर देगा? अल्लाह तुझे तब तक माफ नहीं करेगा जब तक तू अपने अंदर के शैतान को नहीं मारेगी। उसके बाद इबादत के लिए सर झुकाना, उससे पहले अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। ये क्या बकवास कर रहे हैं? कौन है आप? क्या बोल रहे हैं सब? मैं अल्लाह का बंदा हूं,
उसने मुझे पैगाम लेकर के भेजा है। उसने कहा है कि अब तेरी बारी आई, वो तेरे गुनाहों की सजा जरूर देगा। क्या क्या कह रहे हैं आप? कौन है आप? तुझे तेरी गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी। क्या बोल रहे हैं आप? लतीफ, लतीफ, सिक्योरिटी। कोई नहीं आएगा। सिक्योरिटी, तुझे तेरे गुनाहों से बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। तुझे तेरे गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी तुझे तेरे गुनाहों की सजा। तुझे कोई नहीं बचा सकता, तुझे कोई नहीं बचा सकता। तुझे तेरे गुनाहों की सजा जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी तुझे तेरे गुनाहों की सजा। या अल्लाह, ये जरूर कोई पागल था। हमने तो हमारे गुजरे हुए कल की परछाई तक को दफन कर दिया। हमारा गुजरा हुआ कल कभी भी पलट कर वापस नहीं आ सकता, कभी भी नहीं। थैंक यू सो मच अम्मी। आपको याद, मुझे लगा भूल ही गई थी। सुबह से आपने कुछ कहा नहीं तो इसलिए मुझे लगा कि। एक सेकंड आयत, क्या कह रहे हो तुम? क्या याद था हमें? आयल कुछ ऐसा है जो हम भूल रहे हैं? तुम क्या कह रहे हो, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अम्मी, मेरा निकाह एक बहुत ही खास दिन की वजह से हुआ था। और आयल बेटा, तुम्हारे निकाह से ज्यादा और खास क्या हो सकता है? अच्छा देखो बेटा, हमें एक बहुत जरूरी काम है, हम तुमसे बाद में बात करेंगे, ठीक है? बेगम साहिबा, ये आपने दूध कहा था। अच्छा, आप अंदर रख दो। अगर अम्मी ने केक नहीं रखा तो फिर वो केक रखा किसने? कैसे भूल सकती हूँ मैं आपकी सालगिरह, वो दिन जिस दिन की वजह से मेरी पूरी जिंदगी तबाह हो गई। अगर हमारा करोड़ों का फायदा हुआ है तो घाटे में तुम भी नहीं हो, अंडरस्टैंड दैट? तुम्हारा भी फायदा हुआ है। ये मत भूलो कि मैं जानता हूँ कि तुमने निकाह क्यों किया। आप जैसा इंसान जिसकी सोच और जिसकी जिंदगी सिर्फ पैसे के चारों तरफ घूमती, वो इससे ऊपर और इससे ज्यादा और सोच भी क्या सकता है? तो ये सब एहसास दिलाने के लिए तुमने वो केक रखा था, इस दैट व्हाई? आपको जो सोचना है आप सोचिए, क्योंकि आपकी सोच बदलना नामुमकिन है और मुझे अपनी सफाई देने की कोई जरूरत नहीं। अगर आपको लगता है कि मैंने वो केक किसी मतलब या किसी मकसद की वजह से रखा था, तो खुदा के लिए अभी जाइए और वो केक उठाकर फेंक दीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा बर्थडे, आई होप शाम को बड़ी पार्टी रखी होगी, जाकर पूछता हूँ। खाला, आज पार्टी कितने बजे है? पार्टी? कैसी पार्टी? आज कोई वो दिन है क्या? अरे वो जो हर दिन से अलग होता है, स्पेशल दिन? हाँ स्पेशल। नहीं किसी को भी मेरा बर्थडे याद नहीं है, किसी ने भी मुझे विश नहीं किया। अगर आप यहाँ होते तो आप जरूर एक बड़ी पार्टी रखते, है ना अम्मी? आज पहली बार किसी को मेरा बर्थडे याद रहा है। क्या तकदीर है मेरी, मेरे अपने, यहां तक कि मेरी अम्मी भी भूल गई आज की तारीख। मेरा वजूद तो गैरों से जिंदा है। आ,
दिलशाद भी पहले से बेहतर है। डॉक्टर ने मुझे बताया कि उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल था। वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। हया, हम उनसे अभी नहीं मिल सकते हैं। अभी हम घर चलते हैं, हम शाम को आएंगे, उनसे फिर मिलेंगे। लेकिन हया, अगर हमारा करोड़ों का फायदा हुआ है तो घाटे में तुम भी नहीं हो। ये मत भूलो कि मैं जानता हूं कि तुमने निकाह क्यों किया। तुम क्या समझते हैं अपने आप को? कुछ भी बोल देते, खासतौर पर मेरे लिए कैसे सोच सकते हैं ऐसा? एक तो मैंने उनका बर्थडे याद रखा, केक रखा उनके लिए, और उन्होंने हमेशा की तरह मुझे बेइज्जत किया। क्या गलती थी मेरी? कुछ नहीं हो सकता। चलात गई थी, खुद तो किसी के लिए कुछ अच्छा कर नहीं सकते। और अगर मैंने कुछ करने की कोशिश की तो मुझ पर इतना शक किया। ये सब क्या हो रहा है सनो? इतना तो सब जानते हैं कि इस निकाह के पीछे कोई राज है, पर तुम यहां इस कमरे में? मेरा मतलब है, तुम्हारा कमरा तो अब? मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि ये जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी मर्जी के खिलाफ नहीं हुआ है। छोड़िए ना आसमा, जो होना था वो हो चुका है। आप जानती हैं अपने निकाह को लेके मैंने कितने सारे ख्वाब देखे थे। हर लड़की की तरह मैं भी यही सोचती थी कि निकाह के बाद तो जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां भर जाती। पूरी जिंदगी का हिसाब कर रखा था मैंने, लेकिन मुझे अब समझ में आया कि इबादत में हाथ उठाने से हाथों की लकीरें नहीं बदल जाती, तब वही है जो नसीब में लिखा होता है। क्या बेगम साहिबा जानती हैं कि तुम आहिल भाई के कमरे में नहीं आ? बिल्कुल नहीं। और आप भी मत बताइएगा, बेवजह परेशान हो जाएंगी। अरे सनम बेटा, ये आहिल कहाँ है? बेगम साहिबा, आहिल बाबा अभी तक आए नहीं है। क्यों? मुझे नहीं पता। तुम मालूम करो, उसे फोन करके पूछो कि कब आ रहा है। कम से कम रमजान के महीने तक तो हम साथ बैठकर खाना खा सकते हैं ना। लगता है आ गए, मैं देखती हूँ। वकील साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। मुझे आपसे और बेगम साहिबा से कुछ जरूरी काम है। आइए ना। ये वकील ये इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? बेगम साहिबा, वकील साहब आए हैं।
अरे वकील साहब, आइए आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आना हुआ वकील साहब? अल लतीफ, इनके लिए भी खाना लगा? जी जी नहीं, शुक्रिया, मैं खाना खा कर आया हूँ। तो बताइए वकील साहब, कैसे आना हुआ? बेगम साहिबा, मुझे पता चला है कि आपने अहल साहब का निकाह नवाब साहब की वसीयत के लिए करवाया है। अगर ये सच है तो मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या वकील साहब, आप ये सब क्या कह रहे हैं? बेगम साहिबा, क्या ये सच नहीं है कि आहिल साहब से निकाह से पहले सरम इस घर में एक मामूली सी मुलाजिम थी, एक मामूली सी कुक? हाँ हाँ वो थी, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या ये भी सच नहीं है कि सरम के साथ किया गया यह निकाह आखिरी वक्त का एक फैसला था? आहिल साहब और सनम एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते, और हमने तो यह भी सुना है कि आहिल और सनम रात को अलग अलग कमरों में सोते हैं। तो क्या आपकी खामोशी को मैं ये समझूं कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच है? बिल्कुल नहीं, ये सच नहीं। मानता हूँ वकील साहब, इस नमक कुक की हैसियत से इस घर में आई, लेकिन किस्मत ने हमें पहले ही मिला दिया था। जब सनम एक ढाबे की मालकिन थी, और पहली बार दिल ने से देखकर कहा था कि यही है वो लड़की जो सबसे अलग है। और वैसे भी वकील साहब, कहते हैं ना कि किस्मत के खेल को कोई नहीं समझ सकता, हमारे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। तभी तो हमारे दिल के धागे बंध गए थे, और तभी सनम का नसीब उसे यहां भोपाल ले आया। और जो भी मिली तो कहां, या वर्ड वकील साहब, आपको आने में थोड़ी देर हो गई। अगर कुछ महीने पहले आए होते और ये कहते कि आपकी शादी सनम के साथ हो रही है, तो शायद मैं आपकी बात पर हंसकर उसे टाल देता, लेकिन वक्त के साथ मैं सनम को जानने लगा। उसके अंदर की छुपी उस लड़की को जानने लगा, उसके अंदर की छुपी उस लड़की को जानने लगा। तो बहुत खूबसूरत, मासूम है, इंडिपेंडेंट, जिसकी सिंपल सी चाहते हैं, सिंपल से सपने, जिसे सही और गलत सबकी पहचान,
और सबसे खूबसूरत बात पता है क्या, लोगों पे अपना प्यार लुटाते हुए बिल्कुल नहीं सोचते। बहुत सुना है कि इश्क ऐसा होता है, इश्क वैसा होता है, इश्क पर किसी का जोर नहीं। सुना था पर माना कभी नहीं, आज मानता हूं। लोगों ने सही कहा, इश्क पर किसी का जोर नहीं। सर वकील साहब, आप पेपर्स जल्दी तैयार कीजिए, बिकॉज मैं और मेरी जान, मेरी बेगम जान, हम दोनों एक वेकेशन पर जा रहे हैं, अ लॉन्ग ड्यू हनीमून। और कुछ पूछना हो, कोई डाउट्स वकील साहब? नो नो, इट्स ओके, इट्स माय मिस्टेक, सॉरी। अम्मी, अगर आपकी इजाजत हो तो सनम और मैं डिनर कमरे में ही करें। बिल्कुल बेटा, जाओ। शुक्रिया, आइए चले। वकील साहब, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए ना? कुछ ऐसा तो नहीं जो आपको अभी भी पूछना बाकी हो? आपके कुछ सवाल जवाब? माफ कीजिएगा, मैं सुनी सुनाई बातों में आ गया। I'm sorry, मैं पेपर्स तैयार करवाता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या बात है, क्या प्यार है दोनों में। क्या प्यार। ये सब क्या है अम्मी, आपने तो कहा था कि इस निकाह का कोई मतलब नहीं है, ये कुछ दिन का दिखावा है। हाँ बेटा, वही तो है। लेकिन अम्मी, सनम आहिल भाई के साथ उनके कमरे में। हाँ तो इसमें क्या हुआ? निकाह के बाद बीवी अपने शौहर के कमरे में नहीं रहेगी तो और कहाँ रहेगी? देखो रेहा, अगर आहिल और सनम एक कमरे में नहीं रहेंगे तो इस निकाह को निकाह कौन मानेगा? जैसे ये निकाह एक दिखावा है, वैसे ही सनम का आहिल के कमरे में एक साथ रहना दिखावा है, समझे? लेकिन अम्मी, क्या रेहान, तुम इस बात को लेकर इतना परेशान क्यों हो रहे हो? इतना सब क्यों सोच रहे हो रेहान? बेटा, अपनी अम्मी की बात पर यकीन करो, हम जो कह रहे हैं गलत नहीं कह रहे। ये निकाह सिर्फ 3 महीने के लिए, और 3 महीने तो यूं निकल जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद सनम आहिल की बीवी नहीं रहेगी, लेकिन हाँ, हमारी बहू जरूर रहेगी, क्योंकि हम तुम्हारा निकाह सनम से जो करवा देंगे, है ना बेटा? अब तो खुश? अच्छा देखो बेटा, अब हम बहुत थक गए हैं, थोड़ा आराम करना चाहते हैं। जाओ, तुम भी सो जा, सहरी के लिए जल्दी भी तो उठना है ना। ठीक है, चलो, गुड नाइट।
डिनर। मैं कहाँ सोऊंगी? इस कमरे में एक ही बेड है और कोई सोफा नहीं है, मैं क्या करूँ? मैं जाऊँगा, यहाँ पर सोफा भी नहीं है और सिर्फ एक ही बेड है। सोना है तो चुपचाप उस बेड पर सो जाओ और याद रहे मुंह वो साइड करना। क्या कर रहे हो यार? देखो यार, मुझे जो देखना था मैंने देख लिया। मैं ये घर छोड़ के जा रही हूं। यहां पे मेरी वजह से मेरी आपी और मेरी बड़ी अम्मी की जिंदगी में इतना सब कुछ हो गया और मैं यहां नहीं थी क्योंकि मैं आपके साथ थी। मुझे यहाँ होना चाहिए था और यहाँ पे आपको और मनीषा भी को मेरी वजह से इतना सब कुछ झेलना पड़ रहा है। अच्छा यही होगा कि मैं ये घर छोड़ के चली जाऊं। हाँ तो माँ चार एनीवे हाँ उन्होंने सारी डिटेल्स बता दी हमारी कंपनी के बारे में। हाँ तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, आप सारे डॉक्यूमेंट्स उन्हें भेज दो। या वो वॉलेट कहाँ गया मेरा? मेरा जुनैद, तुम्हारा नहीं। हाँ वही सब। एक सेकंड जुनैद, वो ग्लेज कहाँ का है? यू नो जुनैद, आई एम गोना हिट यू। तुम्हारे ग्लेज नहीं, मेरे ग्लेज। तुम बस काम पे ध्यान दो, जो मैंने कहा तुम वही करो। एब्सोल्युटली यू कैन। जुनैद मैं बाद में बात करता हूं। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।